के समय में बहुत सारी महिलाओं की बच्चेदानी की परत ही तैयार नहीं होती। बच्चेदानी की परत तैयार नहीं होती तो फर्टिलाइज्ड एग वहां चिपकेगा कैसे? दो अमेजिंग आइडियाज जो कि फुल प्रूफ हैं, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हैं जो हमारे फॉलोअर्स लाभ उठा रहे हैं। आइए समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। ईटी एंडोमेट्रियम थिकनेस कैसे बनाएं? IVF के लिए जा रहे हैं, नेचुरल कंसीव करना है, या फिर आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो रहा है क्योंकि ईटी ही नहीं ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किन तरीकों से आप ईटी को बढ़ा सकते हैं? तो अमेजिंग आइडिया है, फुल प्रूफ है, नेचुरल है, आपको दवाओं और हार्मोन के इंजेक्शन और पिल्स से छुटकारा दिला देंगे। चलिए समझते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग एजुकेशनल वीडियोस हैं जो कि इनफर्टिलिटी से आपको निजात दिला सकते हैं। हजारों लोगों ने इनका लाभ लिया है। साथ ही आपके जो भी विचार हैं, सुझाव हैं, सवाल हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा अगर लगे आपको तो आप उसे लाइक जरूर करें। ईटी बनना हर महीने की हर मासिक चक्र का एक अभिन्न अंग है, बनता ही है, लेकिन अगर वो 7 mm से भी कम बने तो ऐसे में गर्भारोपण सफल नहीं हो पाता ना। क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं, महिलाएं घर में आसानी से कर सकती हैं, अपना इलाज अब खुद कर पाएंगी। आइए समझते हैं। पहले हम बात करेंगे डाइट थेरेपी की, क्योंकि डाइट थेरेपी इसमें बहुत ज्यादा अमेजिंग है। कुछ पदार्थ आपकी फूड में, जैसे बीटरूट में होते हैं, अनार में होते हैं, टोमेटो, पके हुए टमाटर में होते हैं, वो बहुत फायदेमंद होते हैं ईटी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये सारी जानकारी क्लिनिकल स्टडीज से, रिसर्चेस से आई हैं, जो कि मैं सरल भाषा में आप तक पहुंचाती हूँ। तो डाइट में किन चीज़ों को लेना है? नंबर 1, चिया सीड्स, अखरोट, इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कीजिए। नींबू पानी बना रहे हैं, 1 चम्मच चिया सीड डाल लीजिए। पपाया की स्मूदी बना रहे हैं, मैंगो की स्मूदी बना रहे हैं, कोई शेक बना रहे हैं, ओट मिल बना रहे हैं, कुछ भी आप डाइट ले रहे हैं फ्लूड में, उसमें चिया सीड्स को ऐड कर दीजिए। चिया सीड्स अमेजिंग सोर्स है ओमेगा 3 का। लेने का तरीका भी बहुत सरल है, या फिर 2 भिगाए हुए अखरोट। ओमेगा 3 हेल्दी फैट होता है और ये ईटी को बनाने के लिए सबसे अनिवार्य है। आप अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जाएंगे तो L-arginine और ऐसे कई फैंसी नेम्स आपको सुनने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम अपने फूड से लेने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आप अनार खा सकते हैं या अनार का जूस ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपके लिए ईजी हो वो करें। 1 medium size का अनार आप डेली ले सकते हैं, स्पेशली ओव्यूलेशन होने के बाद में। हालांकि देखिए, एनीमिया की प्रॉब्लम तो इंडिया में प्रेवलेंट है, 50% से ज़्यादा महिलाएं एनीमिक हैं, और आयरन डेफिशिएंसी है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कमी है, ठीक मात्रा में आयरन नहीं ले पाते हैं डाइट में, इसलिए तो आप तो अनार नियमित भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, तो ओव्यूलेशन के बाद अनार का जूस आप लेना या अनार लेना चालू कर सकते हैं। इसके अलावा एक अमेजिंग सूप है जिसको कि ओव्यूलेशन के बाद से आप हफ्ते 10 दिन तक कंटिन्यू लें, जिसमें कि बीटरूट यूज़ करना है, गाजर यूज़ करना है, टमाटर यूज़ करना है, डिलीशियस भी लगेगा और ईटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है। क्यों? इसके अंदर एसेंशियल सारे विटामिन्स हैं, सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं यूट्रस की तरफ। टोमेटो का लाइकोपिन है, कैरेट का बीटा कैरेटिन है, ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब बात आती है विटामिन ई की, नकार नहीं सकते विटामिन ई को हम, तो विटामिन ई के लिए नट्स लेने हैं, आलमंड्स, भिगोए हुए 4 बादाम रोज खाने हैं, हमेशा खाने, पीरियड्स हो, ओव्यूलेशन हो, सब खाने। क्योंकि डाइट ऐसा नहीं है कि आपने आलमंड्स खाए और आपके शरीर के कण कण तक पहुंच गया विटामिन ई, वो डाइजेस्ट होगा, असिमिलेट होगा, फिर पहुंचेगा धीरे धीरे, तो नियमित खाने से इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साबुत अनाज, बच्चेदानी की परत मजबूत करनी है तो ज्वार रागी से दोस्ती कर लें। ज्वार रागी का चीला बनाएं, डोसा बनाएं, चपाती बनाएं, दलिया बनाएं, जो भी चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारा फाइबर है इसके अंदर और बहुत सारे विटामिन भी है, तो फाइबर एक तो डाइजेशन भी इंप्रूव करेगा और ये अनाज आपको कई सारे विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी दे रहे हैं, तो इससे ईटी बनाने में हेल्प होगी। स्प्राउट्स जरूर खाएं, स्प्राउट्स में जिंक होता है और भी कई पोषक तत्व होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में गर्भधारण की सफलता के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए जिंक या स्प्राउट या बॉइल्ड एग्स आप भी ले सकते हैं। 1 खट्टा फल, चाहे आप 1 ग्लास नींबू पानी पिए, चाहे आप डेली 1 संतरा ले लीजिए, या फिर 1 मैंगो, उसमें भी विटामिन सी अच्छा होता है, तो विटामिन सी का कोई एक सोर्स डेली आपकी डाइट में होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, विटामिन सी या सिट्रस चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, 1 ग्लास, 150 से 200 ml से ऊपर नहीं जाना है, इतनी मात्रा में ही लेना है। अब
पहला पक्ष पूरा होता है, अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। एंडोमेट्रियम की थिकनेस ठीक ठाक बनानी है गर्भधारण के लिए तो एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका ब्लड फ्लो ना बॉडी के अंदर इम्प्रूव होता है। ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा तो ऑप्टिमल थिकनेस बनेगी। इसके लिए लेग अप द वॉल पोजिशन, जो हमारे पतंजलि योग में विपरीत करनी आसन दिया है, ये बहुत अमेजिंग है। तो आप विपरीत करनी आसन लेग अप द वॉल पोजिशन का मेरा वीडियो देखें, घर में बेड पे आसानी से कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट होना चाहिए। इसके अलावा फर्टिलिटी मसाज करें, जिससे कि आपके प्रजनन अंगों को ब्लड फ्लो अच्छा मिले, एनर्जाइज हो जाएं आपके ऑर्गन्स। जरूरी नहीं कि एक महीना करते रिजल्ट आ जाते, किसी किसी को आता है, बिल्कुल आता है, जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा पुरानी नहीं होती। लेकिन आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, एज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप कम से कम 2-3-4 साइकिल तक फॉलो करें। कई लोगों ने 7-7 साल की इनफर्टिलिटी के बाद 1-1 साल रेगुलर वीडियोस को फॉलो किया, टिप्स को फॉलो किया, और 1 साल बाद उनको रिजल्ट आया। तो आप अपने प्रयास सतत रखें, क्योंकि ये साबित किए हुए तरीके हैं, इनसे रिजल्ट आता है। पैदल चलने से एक्सरसाइज जब आप करते हैं उसमें पैदल जरूर चलें थोड़ी देर, उससे करने से आपका तनाव दूर होता है। भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें, जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहें करें, 20-30 मिनट आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन रस्सी कूदना, जंपिंग करना, ऐसे एक्सरसाइज ना करें कि शरीर आपको खुद ही ऊपर नीचे मालूम पड़े। बहुत हैवी एक्सरसाइज, कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, 20-30 मिनट करनी है। अब जिन्होंने इन तरीकों को फॉलो किया उनकी ईटी सही बनेगी ही। इसके अलावा तिल के बीज, सूर्यमुखी के बीज, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो लोग या तो IVF के लिए जा रहे हैं या फिर नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, रिपोर्ट्स में ईटी नहीं आ रही ठीक, तो इन तरीकों से उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इन टिप्स के साथ में, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय बाय।